इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे कि गाइडेड बियरिंग क्या होती है। तो आपको जो मेरे सामने दिख रही है वो होती है गाइडेड बियरिंग। गाइडेड बियरिंग क्या काम करती है कि ओनली ट्रांसवर्स डायरेक्शंस के जो फोर्सेस होते हैं उनको रिस्ट्रेन करती है, और जो लेटरल डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं या कहें कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं उनको जो है वो फ्री रखती है। तो देखिए इसकी बनावट किस टाइप से है, इसकी डिज़ाइन किस टाइप से है वो देख लेते हैं। ये देखिए जैसा कि पिन बियरिंग में होता है वैसे ही इसमें भी स्लिप्स होते हैं। ये स्लिप्स देखिए, ये इस तरह से स्लिप्स होते हैं जो कंक्रीट के अंदर कास्ट होते हैं। फिर एक अपर प्लेट होती है, ये यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होगी, और वैसे ही सेम एक लोअर प्लेट होती है और नीचे भी उस टाइप से स्लिप्स होते हैं, ठीक है। और बीच में जो है देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए आप ये पोर्शन देख सकते हैं, ये जो दिख रहा होगा आपको ये वाला पोर्शन, और फिर इसके बाद में ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, दोनों अलग है। पिन बियरिंग के केस में क्या था कि ये पूरा स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का अलग है नीचे का अलग है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमको लोड्स जो है इसका मूवमेंट जो है फ्री रखना है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है। ये जो है इसका बीच में एक वैकेट प्लेस है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक आपको कुछ मेटालिक टाइप से एक दिख रही होगी, जो ये पूरी जो नीचे वाली प्लेट है इस टाइप से बनी हुई है और ऊपर वाली प्लेट कैसे बनी हुई है। तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो है फोर्स कैसे रिस्टर्न होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ आपकी गाइडेड बियरिंग होती है। इसको भी एक पेडस्टल के ऊपर कास्ट किया जाता है और फिर ऊपर में डायफ्राम में कास्ट करके इसको पूरा ख़त्म कर दिया जाता है इसका कास्टिंग। तो इस टाइप से जो है हमारी गाइडेड बियरिंग होती है। तो यही था गाइडेड बियरिंग के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम है। हाँ, इनमें वजन बहुत रहता है, इनकी कैपेसिटीज भी होती है, 50 टन की इनकी कैपेसिटी होती है पिन बियरिंग के केस में, हमारे केस में 250 टन की कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटी के हिसाब से आती है सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।